संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधु, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के स्वाध्याय में पंचम अध्याय के सूत्रों का विवरण चल रहा है। द्रव्य की सत्ता उत्पाद व्यय और द्रव्य के माध्यम से बनती है। जो द्रव्य का अपना स्व निजी भाव होता है, उसका कभी व्यय नहीं होता, इसलिए द्रव्य नित्य रहता है। और नित्य रहते हुए भी उस द्रव्य में उत्पाद व्यय निरंतर बना रहता है। इस तरह से जो उत्पाद और व्यय होकर के उसमें अनित्यता आती है और नित्यता भी उसमें बनी रहती है, तो इन दोनों विपरीत बातों की सिद्धि आप कैसे कर सकते हैं? इन दोनों का कथन कैसे किया जाता है? इन दोनों की विवक्षा क्या होती है? इस बात को बताने के लिए यहाँ पर यह अगला सूत्र आ रहा है, अर्पिता नर्पित सिद्धे। यह सूत्र इसीलिए है, पूछा गया है कि पहले आपने उत्पाद और व्यय यह अनित्यता के भावों को बताया और अब आपने कहा कि वह भाव कभी व्यय नहीं होता और फिर भी उसमें व्ययपना दिखाई देता है। आप कह रहे हैं द्रव्य मिटता नहीं और द्रव्य मिट भी रहा है, बदल भी रहा है, और फिर भी आप कहते हैं द्रव्य बदलता नहीं, मिटता नहीं, जबकि हर द्रव्य बदल करके नया भी दिखाई दे रहा है और आप कहते हैं कि द्रव्य बदल भी रहा है और नहीं भी बदल भी रहा है। तो ये दोनों बातें कुछ समझ नहीं आती, ये दो विरोधी बातें हैं और दोनों विरोधी बातों को आप कैसे समझते हैं, ऐसे ही हमको भी समझाएं। तो उसी के लिए यह सूत्र है। आचार्य कहते हैं कि विरोधी धर्म हमेशा द्रव्य में रहा करते हैं। अगर द्रव्य का हमें किसी भी रूप से अस्तित्व दिखाई देता है तो उसका अंदर एक नास्तित्व नाम का धर्म भी होता ही है। तो अस्तित्व धर्म उसके अस्ति को बताता है और नास्ति रूप जो धर्म होता है वह उस द्रव्य को, उस वस्तु को अन्य द्रव्यों से पृथक कर देता है। यानी यह उस वस्तु की ही अपनी गुणवत्ता होती है कि वह अपने अस्तित्व को बनाते हुए भी वो पर के अस्तित्व से अपने को भिन्न रखता है, वह पर नहीं है। तो यह पर नहीं होना, पर रूप अस्तित्व में नहीं बदलना, यह उसके अपने नास्तित्व गुण के कारण से होता है। स्व अस्तित्व में रहना अपने अस्तित्व गुण के कारण से होता है और पर अस्तित्व रूप में नहीं जाना यह उसके नास्तित्व गुण के कारण से रहता है। यानी हर द्रव्य में अस्ति के साथ में नास्ति धर्म भी पाया जाता है, जिसके कारण से वह पर रूप नहीं होता है। नास्ति धर्म इसी रूप में है कि वह पर रूप नहीं होता है,
इसीलिए वो नहीं होता है, यहाँ पर नहीं लग जाता है, वहीं पर नेगेटिव रूप आ जाता है। तो यह ध्यान में रखें कि जैसे मान लो यह कागज है, ये पेंसिल है, अब हम कहें ये पेंसिल है, इसका अपना अस्तित्व है, ये स्व अस्तित्व के साथ में है, इसको हम कहेंगे स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्व इसकी भावात्मक जो पर्यायात्मक परिणति है वो, उसके साथ इसका अपना जो स्व अस्तित्व है ये इसके अपने अस्ति धर्म के कारण से है। अब इसी को हम यूं कहेंगे कि ये कागज नहीं है, ये लोहा नहीं है, ये लकड़ी नहीं है, अन्य कोई भी पृथ्वी आदि पदार्थ नहीं है, तो ये जो नहीं कहना हो रहा है यह नहीं है, यह इसके नास्ति धर्म के कारण से है कि यह उस रूप नहीं है। अगर इसमें वह नास्ति धर्म न हो तो यह उस रूप हो जाएगा, अगर इसमें नास्ति धर्म न हो तो यह लकड़ी ही लोहा के रूप में हो जाएगी। फिर सब द्रव्य एक दूसरे में इस तरह से मिल जाएंगे कि किसी का अपना कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये हर द्रव्य के अंदर के अलग अलग गुण धर्म हैं जिसके कारण से वह अपने अस्ति को भी बनाए रखता है और नास्ति को भी बनाए रखता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है द्रव्य की, ये जानना चाहिए। और इसी द्रव्य की विशेषता के कारण से या व्यवस्था के कारण से ये जानने में आता है कि अगर किसी भी पदार्थ में कोई भी उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, तो वह उसकी पर्याय को जो हम नया रूप में देख रहे हैं, द्रव्य भी उसके साथ में पूरा का पूरा है, लेकिन अपनी नई पर्याय के कारण से वो द्रव्य नया है। आम है, हरा है, पीला हो गया, तो आम पूरा नया हो गया कि वही आम केवल हरे से पीला हुआ? आम तो वही है, दिस इज दैट, तो वाली बात तो इसमें भी है लेकिन जो हरा से केवल पीला हुआ है तो हरे के साथ में जो पूरा द्रव्य था वो थोड़ा अलग था, उसकी पूरे की क्वालिटी अलग थी, और जो हरे से पीला हो गया तो पीले में वह पूरा अलग हो गया, उसकी पूरी क्वालिटी अलग हुई। हम केवल इतना नहीं कह सकते केवल हरे से पीला हुआ है, हरे से पीला तो कलर के अपेक्षा से हुआ, उसकी स्मेल भी चेंज हुई, उसका टेस्ट भी चेंज हुआ, उसका पूरे द्रव्य का शेप भी कुछ चेंज हुआ, सब कुछ हुआ, वेट भी चेंज होएगा, कुछ ना कुछ सब कुछ में फर्क पड़ेगा। तो द्रव्य में भी परिवर्तन आता ही है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं यह वही है। तो जो हमारे सामने द्रव्य की उत्पत्ति हो रही है, उत्पाद के रूप में हो रहा है, पूर्व पर्याय का व्यय दिखाई दे रहा है, उसमें भी द्रव्य वही होते हुए भी वह नित्य रूप भी दिखाई देता है और अनित्य रूप भी दिखाई देता है। अब इसको हर कोई समझ नहीं पाता, आप जिसको नित्य कहते हो उसी को अनित्य कहने लग जाते हो, जिसको आप अनित्य कहते हो उसी को नित्य कहते हो। अभी आप कह रहे थे द्रव्य वही है, हरे से केवल पीला हो गया, तो हमने चलो मान लिया आपकी हाँ में हाँ कर दी। अब आप कहने लगे कि नहीं, द्रव्य भी नया हो गया क्योंकि पूरा सब कुछ बदल गया। तो अब फिर जब द्रव्य भी नया हो गया तो फिर वो नित्य कहाँ रहा फिर वो, समझ आ रहा ना? तो जो व्यक्ति इस अनेकांत धर्म की इस पद्धति को नहीं समझ पाता, स्यादवाद शैली को नहीं समझ पाता, वो व्यक्ति कन्फ्यूज रहता है, समझ आ रहा ना? चाहे वो कितना ही बड़ा कन्फ्यूशियस कौन हो, कितना ही बड़ा चीन का फिलोसोफर क्यों ना हो, कन्फ्यूशियस वो भले ही वो हो लेकिन वो कन्फ्यूज रहेगा जब तक कि वो अनेकांत को नहीं समझेगा। बस ये एक सूत्र समझना जो यहाँ बताया जा रहा है, अर्पिता नर्पित सिद्धे। अब ये जो सिद्धि होती है वो अर्पित और अनर्पित के माध्यम से होती है। सिद्धि कौन सी? जो है वही नहीं भी है, जो नित्य है वही अनित्य भी है, जो अनित्य है वही नित्य है, और इस तरीके का ये दोनों विरोधी बातें एक साथ जो सामने आती हैं, तो आचार्य कहते हैं आप उसमें बस ये एक सूत्र अप्लाई करो, अर्पित और अनर्पित। जब आप एक साथ अपनी बुद्धि चलाओगे तो आपको दिक्कत होगी, और एक साथ भी हम आपको समझा पाएंगे जब आप थोड़ा इस स्यादवाद के भंगों को समझ लोगे।
समझा ना। तो क्या होता है अर्पित का मतलब क्या हो गया, अर्पित माने हो गया जिसको हम अपने सामने मुख्य रूप से रख रहे हैं, जिसके तरफ हम देख रहे हैं, जिसको हम अपने ज्ञान का विषय बना रहे हैं, जो हमारा एंगल है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारे लिए ग्रहण करने के लिए जिस पर हमारा फोकस है, वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपका अर्पित माने मुख्य कहलाएगा। आप उसको ही जो है प्राइमरी माने, और फिर जो है जो चीज़ें उसमें हैं उन्हें आप सेकेंडरी कर दें, समझ आ रहा, उसका नाम ही गॉड हो गया। अनर्पित माने अर्पित का अभाव, जो मुख्य था उसका उल्टा। तो मुख्य को गॉड के साथ में रखें, लेकिन जिस चीज समय पर जो चीज मुख्यता से आप लें उसे उसी समय पर उस मुख्यता के साथ देखें, अन्य जो उसके धर्म है उसे आप गौर कर दें थोड़ी देर के लिए, उन्हें आप सेकेंडरी कर दें, निग्लेक्ट ना करें, क्या ना करें, हाँ कि वो है ही नहीं, ऐसा नहीं, उनका उसमें बिल्कुल एब्सेंस है वो, ऐसा नहीं। वो भी जो नेगेटिव उसके दूसरे अपोजिट जो धर्म है वो भी उसमें प्रेजेंट हैं, लेकिन हम उन्हें एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए उनके लिए अर्पित और अनर्पित की व्यवस्था बनाई गई। तो दो चीजें हैं, द्रव्य और उसकी पर्याय। आप क्या ग्रहण करना चाहते हैं? अगर आप द्रव्य को पकड़ना चाहते हैं तो फिर द्रव्य को ही देखें, द्रव्य के ही पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वाच करें, तो आपके लिए वह द्रव्य पकड़ में आएगा। पर्याय को उस समय पर क्या कर दें, गौर कर दें, अनर्पित कर दें, उसको आप सेकेंडरी स्टेट में ले जाएं। अगर आप द्रव्य को देख रहे हैं माने आप आम को देख रहे हैं, तो फिर आप आम को ही देखें, अब उसमें हरा पीला ही ना देखें, क्या देखें, आम को देखें। तो आम को देखोगे कि वही आम है जो कल भी था, जो आज भी है, जो इसी डाली पर कल भी था आज भी है, इसी स्थिति में कल भी था आज भी है, भले ही इसका चेंज है, वो चेंज नहीं अभी हमें देखना है, अभी हम उसको मुख्य रूप से किस रूप में देख रहे हैं, आम के रूप में देख रहे हैं, ये आम है बस। तो ये क्या देख रहे हैं, हम द्रव्य देख रहे हैं, द्रव्य को दृष्टि में रख रहे हैं। तो उससे आपको यही लगेगा कि यह वही है, यह वही है माने ये नित्य है, आम नहीं बदला, आम तो नित्य है, कल भी था आज भी है, तो ये उसका नित्य बना हो गया। अब अनित्य क्या हुआ, अब जैसे आपने देखने लगे, कल तो ये हरा था, दो दिन बाद पीला देखने लग गया, अब ये तो अब आपकी दृष्टि किस पे गई, अब हरे से पीले पे गई, ये हरा पीला ये उसकी पर्याय है, कच्चा पका ये उसकी पर्याय है। तो अब आप पर्याय की ओर दृष्टि डाल रहे हैं, तो फिर आप पर्याय को ही देखें, उसी को आप मुख्य रूप से उसी को अर्पित करें, द्रव्य को अनर्पित कर दें। अब ये द्रव्य की ओर दृष्टि ना देखें कि ये वही है, अब क्या देखें कि यह हरा है, यह पीला है, यह हरे से पीला हो गया है। तो आपके लिए जब पर्याय ग्रहण करने में आए तो पर्याय को मुख्य बना लें, द्रव्य को गौण कर दें। जब द्रव्य ग्रहण करने में आए तो द्रव्य को मुख्य बना लें, पर्याय को गौण कर दें। और अगर आप किसी को ये भी बताना चाहते हैं कि यह नित्य भी है, यह अनित्य भी है, तो आप एक साथ तो बता नहीं पाएंगे, या तो उसमें भी लगा करके बताएं, यह नित्य भी है, यह अनित्य भी है। और अगर कह नहीं, दो में से एक बात बताओ, अगर सामने वाले ये कहे कि दो में से एक बात बताओ, तो फिर आपने कहा कि नहीं यह नित्य भी है, तो वो कहेगा आप भी क्यों लगा रहे हो उसको, आप कॉन्फिडेंटली बताओ कि ये क्या है, कि नित्य है कि ये अनित्य है। सामने वाला कुछ भी पूछ सकता है ना, तो वो आप कहोगे कि नहीं ये नित्य ही है, अब आपने क्या बोल दिया, ये नित्य ही है। तो फिर सामने वाला कहता है जब ये नित्य ही है तो फिर ये अनित्य कैसे हो गया, तो आप झूठे हो गए, तो कहते हैं नहीं झूठे नहीं हो गए। अब ये तुमको कॉन्फिडेंटली समझाने के लिए हमने कहा कि ये नित्य ही है, बाकी हमें मालूम है कि नित्य क्यों है, अब तुम हमसे पूछो नित्य क्यों है, तब हम तुम्हें बताएंगे, है ना। तो फिर थोड़ी देर बाद वो पूछता है यह नित्य ही है पक्का, हाँ पक्का यह नित्य ही है, तो फिर ये बदल क्यों गया, ये अनित्य ही है। तो ये अनित्य ही है,
तो अभी तुम कह रहे थे अनित्य भी है, तो भी में तुम ये समझ रहे थे कि ये शायद ऐसा भी है या वैसा भी है। ऐसा जब मैंने देखा कि तुम डाउट में पढ़ रहे हो, तो फिर हमने उसको फिर इस तरीके से ही कहना उचित समझा कि नहीं, ये नित्य ही है और ये अनित्य ही है। तब वो पूछेगा, तो फिर आप ये बताओ कि नित्य ही क्यों है, ये अनित्य ही क्यों है। तो देखो, वो द्रव्य की अपेक्षा से नित्य ही है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ही के साथ भी कथन करना गलत इसलिए नहीं होता जब हम उसके पीछे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हैं, हम उस वस्तु को किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, अपना पर्सपेक्टिव क्या है, मोड का या उस सबस्टेंस का। अगर हम उसको मोड के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं तो फिर वह अनित्य ही है, और अगर हम उसको द्रव्य के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वह नित्य ही है। तो सामने वाला फिर कंफ्यूज होता है। आप एक बात बताओ भाई, एक बात हो नहीं सकती, द्रव्य का वो स्वभाव ही नहीं है, नित्य ही है अनित्य ही है। तो फिर एक काम कर दो ना, आप दोनों चीजें बोल दो एक साथ, नित्य भी है अनित्य भी, नित्य अनित्य दोनों है, ऐसा ऐसा बोल दो आप, तो भी आप कंफ्यूज्ड रहेंगे, ये भी पूरा नहीं हुआ। अगर हमने यूं कह दिया कि ये नित्य अनित्य है तो भी आपके लिए ये लगेगा कि ये नित्य अनित्य होते हुए भी केवल नित्य ही नहीं है, और भी कुछ है, और भी कुछ है। तो फिर और भी कुछ है तो फिर क्या हो गया, फिर एक चौथी चीज सामने आ गई। अब दो चीज हो गई थी, एक नित्य है एक अनित्य है, फिर नित्य अनित्य दोनों हैं। अब दोनों भी कहने के बाद में वो वस्तु पूरी नहीं हो रही है अभी, माने उसके सभी गुणधर्म तो नहीं कहे जा सकते, उसके बारे में अभी भी ढंग से नहीं कहा जा सकता है कि ये नित्य अनित्य है। फिर भी उसमें से कुछ ऐसा समझ में आता है कि अभी भी इसमें कुछ कहने योग्य बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, कि जो नित्य अनित्य है उन दोनों धर्मों को कहने के बावजूद भी यह वस्तु का अभी कथन पूरा नहीं हुआ, या इसके पूरे धर्मों का अभी कथन नहीं हुआ। ये केवल नित्य अनित्य होकर के भी अभी बहुत कुछ है इसमें जो समझ नहीं आ रहा है, पकड़ नहीं आ रहा है, कहने में नहीं आ रहा है। तो फिर चौथी चीज आ जाती, भाई ये ऐसा करो, ये अवक्तव्य है। क्या है अवक्तव्य का मतलब, हाँ कहने योग्य नहीं है। फिर आप इस भी एक इस चीज को भी पकड़ लो, समझ आ रहा ना। तो कितनी चीजें हो गई, चार हो गई, नित्य अनित्य उभय यानी नित्य अनित्य और अवक्तव्य, ठीक है ना। अब चार हो गई। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि द्रव्य की सत्ता उत्पाद व्यय और द्रव्य के माध्यम से बनती है। द्रव्य के स्वभाव का कभी व्यय नहीं होता, इसीलिए द्रव्य नित्य रहता है, लेकिन उसमें उत्पाद व्यय निरंतर होता है जिससे उसमें अनित्यता आती है। द्रव्य नित्य है और अनित्य भी, वह बदलता भी है और नहीं भी, ये बातें परस्पर में विरोधी हैं। सूत्र 32 में आचार्य महाराज ने इन विरोधी बातों की सिद्धि की है। द्रव्य में हमेशा विरोधी धर्म रहा करते हैं, इसमें अस्तित्व के साथ नास्तित्व धर्म भी रहता है। अस्तित्व गुण के कारण वह स्व अस्तित्व में रहता है और नास्तित्व गुण के कारण वह पर अस्तित्व रूप में नहीं रहता है। नास्ति धर्म नेगेटिव रूप है कि द्रव्य पर रूप नहीं है। उदाहरण के लिए अस्ति धर्म के कारण पेंसिल का स्व अस्तित्व स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव में है। नास्ति धर्म के कारण वह कागज लोहा आदि नहीं है। नास्ति धर्म के अभाव में लकड़ी ही लोहे के रूप में हो जाएगी, वे सब द्रव्य एक दूसरे से मिल जाएंगे और किसी का अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। हम द्रव्य की उत्पाद व्यय हो रही पर्याय को नए रूप में देखते हैं और इस कारण द्रव्य भी पूरा का पूरा नया हो जाता है। जैसे आम अगर हरे से पककर पीला हो गया तो यह वही आम है जो पीला हुआ है, दिस इज दैट, लेकिन उसके द्रव्य में भी फर्क आ गया है। उसका रंग खुशबू शेप वेट टेस्ट आदि सब बदल गए हैं।
क्योंकि द्रव्य में सब कुछ बदल गया है तो द्रव्य ही नया हो गया है। फिर भी हम कहते हैं कि यह वही है, अतः द्रव्य नित्य रूप ही है और अनित्य भी। बिना अनेकांत धर्म की पद्धति और स्यादवाद शैली के लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। सूत्र से विरोधी बातों की सिद्धि करते हुए मुनिश्री ने समझाया, जिसे हम मुख्य रूप से रख रहे हैं, जो हमारा फोकस है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वह अर्पित या प्राइमरी है। अनर्पित इसका विपरीत है, यानी सेकेंडरी या गौण। चूंकि हम विपरीत धर्मों को एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए जब हम एक धर्म को कहें तो उसे मुख्य मान लें और अन्य धर्म को गौण मान लें, हम उन्हें निग्लेक्ट ना करें। थोड़ी देर बाद हम इसे सेकेंडरी या गौण मान लें। द्रव्य और पर्याय में जब हम द्रव्य को ग्रहण करें तो द्रव्य को देखें और पर्याय को अनर्पित कर दें, और जब पर्याय ग्रहण करें तो उसे मुख्य बनाकर द्रव्य को गौण कर दें। जब हम आम को देखें तो सिर्फ आम को देखें, उसका रंग आदि नहीं देखें। आम कल भी डाली पर था और आज भी है, वह नहीं बदला है, वह नित्य है। जब दृष्टि हरा पीला कच्चा पक्का आदि पर्याय पर जाए तो उसे मुख्य बनाकर द्रव्य को अनर्पित कर दें। किसी को एक साथ यह बताना संभव नहीं है कि यह नित्य भी है और अनित्य भी, क्योंकि अगर नित्य है तो अनित्य क्यों और अनित्य है तो नित्य क्यों। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के बाद हम यह भी कह सकते हैं, द्रव्य की अपेक्षा से यह नित्य ही है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य ही है। मुनिश्री ने वस्तु के धर्म को समझाने के लिए सप्तभंगी व्यवस्था को समझाया। पहला, वस्तु नित्य है। दूसरा, वस्तु अनित्य है। तीसरा, वस्तु नित्य अनित्य दोनों है, यानी उभय है। अब दोनों कहने के बाद में भी वस्तु के सभी गुणधर्म नहीं कहे जा सकते, कुछ और कहने को बचा है जो कहने योग्य नहीं है। यह चौथी चीज अवक्तव्य है। शेष तीन भंगों को हम कल समझेंगे। तो चलिए अब हम सभी चिणवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सृजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा, साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, द्रव्य को दृष्टि में रखने पर द्रव्य की पर्याय क्या होगी? अर्पित, अनर्पित, समर्पित, दर्शित। अध्याय 5 की कक्षा 39 के आज के सवाल का सही उत्तर है तद्भाव। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।